शुक्र से आप सभी, आज मैं फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ द टेक स्पोर्ट में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो दोनों बॉल्स होती है इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो अभी सबसे पहले तो आते हैं हमारी टेनिस बॉल के ऊपर। तो ये जो टेनिस बॉल होती है ये सब लोग खेलते हैं, मतलब कोई भी किसी को भी क्रिकेट का शौक हो तो ये बॉल से खेलते हैं। लेकिन जब ज़्यादा सीरियस क्रिकेट हो, तो मतलब हमें बड़ा हो के क्रिकेटर बनना है, कुछ अच्छे से खेलना है और अंडर 19 में खेलना है या तो रणजी ट्रॉफी में खेलना है, तो आप लोग इस बॉल से प्रैक्टिस कीजिए और क्रिकेट कोचिंग में जाइए। तो ये बॉल यूज़ होती है क्रिकेट कोचिंग में। तो ये टेनिस बॉल सब लोग खेलते हैं, इससे जिसको भी क्रिकेट पसंद हो खेलना वो लोग खेलते हैं ये बॉल से। और ये जो क्रिकेट में ज़्यादा सीरियस हो वो ये बॉल से खेलते हैं। तो अभी इन दोनों बॉल्स का नाम ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बॉल होती है टेनिस बॉल, इसके अंदर होता है रबर। कोई कोई बॉल, मतलब कोई कोई लोग इसको रबर बॉल भी बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इसको टेनिस बॉल। तो अभी आते हैं ये वाली बॉल पे। तो ये बॉल कहलाती है लेदर की बॉल। तो मतलब क्रिकेट की लैंग्वेज में ये बोलते हैं लेदर की बॉल, और मतलब कोई दूसरे लोग जो होते हैं वो इसको सीजन की बॉल बोलते हैं। तो इसका परफेक्ट नेम है लेदर बॉल, क्योंकि ये जो ऊपर का आउटर कवर होता है, मतलब कि ये जो आउटिंग होती है वो लेदर की होती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैंने आपको इन दोनों बॉल्स का नेम बता दिया, तो अभी बढ़ते हैं इनके यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहले तो आते हैं हमारे टेनिस बॉल पर। तो ये यूज़ होती है जैसे हम लोग मिट्टी में खेल रहे होते हैं, फिर ब्लॉक्स पे, रोड पे, रोड मतलब सीमेंट का रोड, नॉर्मल जो रोड होते हैं उसके ऊपर, तो आप लोग उसके ऊपर इसको खेल सकते हैं। लेकिन इसको खेलने के लिए आपको नॉर्मल बैट ही चाहिए। आप कोई भी महंगा वाला बैट मत ले आना, कश्मीरी विलो ले लिया या तो कोई भी ऐसे इंग्लिश विलो ले लिया, अच्छी ब्रांड का ले लिया, वैसे नहीं। आप कोई भी बैट से इसके साथ खेल सकते हैं। ये बिल्कुल ये लगती भी नहीं है बैट, मतलब हमारे बॉडी के ऊपर हमको चोट भी नहीं आएगी इस बॉल के साथ। तो ये क्या होती है, ये अच्छे से बाउंस होती है गाइस, बहुत अच्छे से बाउंस होती है। तो अभी बढ़ते हैं हमारी लेदर बॉल, नहीं इसका सबसे पहले तो मैं आपको प्राइसिंग बताऊंगा। तो ये जो टेनिस की बॉल होती है इसका प्राइसिंग होता है लगभग 40 to 100 के बीच में। तो आपको अगर चाहिए तो ये आपको 40 to 100 के बीच में मिल सकती है। और अभी आते हैं हमारी लेदर बॉल पर। तो लेदर बॉल का प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ, ये शुरू होती है 200 से, लगभग ये बहुत आगे जाके 20,000 तक बढ़ सकती है। तो अभी इसका प्राइसिंग बता दिया, अभी इसका यूज़। तो ये यूज़ होती है पिच के ऊपर, जो क्रिकेट की पिच होती है ना गाइस, IPL में, वर्ल्ड कप में, T20 में, सब में सेमी पिच आती है, वो उसके ऊपर ये यूज़ होती है। अगर आपको खुले ग्राउंड में खेलना हो तो आप फुल टॉस के साथ खेलिए। तो ये मिट्टी पे बाउंस नहीं होती, पिच पे ही बाउंस होती है, जो क्रिकेट में भी पिच होती है। तो आपको खेलना हो खुले ग्राउंड में ही खेलिए, क्योंकि ये बहुत ज़ोर से बॉडी पर लगती है। अगर फुल टॉस डाला ना गाइस, अगर बैट का निशाना चूक गया इसके ऊपर, तो आपका अगर पैर में जाके लगेगी गाइस, अगर आपने वो पैड्स नहीं पहनोगे तो आपकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। तो आप इसको खेलना हो तो आप प्लीज़ क्रिकेट किट के साथ ही खेलिए, बहुत डेंजर है ये बॉल। ये लेदर की बॉल है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी थ्रेडिंग होती है अंदर, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे वैसे तो पता नहीं है लेकिन मैंने सुना हुआ है कि ये सब होती है। तो इसके अंदर होता है रबर, ये टेनिस की बॉल के अंदर रबर होता है। ये आउटिंग सिर्फ ये कुछ होता है मटेरियल, मुझे पता नहीं है, इसके अंदर रबर होता है। ये देखिए, ये पूमा की बॉल है, तो इसके अंदर रबर होता है और ये अच्छे से बाउंस होती है, और ये बाउंस नहीं होती। अगर आपने टाइल्स के ऊपर बाउंस कर दिया तो टाइल्स, आप सोचिए, ख़त्म ही हो गई है, अभी टूट ही जाएगी टाइल्स, और ये बॉल से कुछ नहीं होगा आपको। तो अभी मैंने आपको इन दोनों बॉल्स का डिफरेंस बता दिया, क्या यूज है वो भी बता दिया। तो अभी इस वीडियो में इतना काफ़ी है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।